कि जो गाड़ी के जो फूड पैक्स है वो साइड से ऊपर है, नीचे नहीं है। तो ऊपर है तो क्या होता है कि आपके जो पैर होते हैं, जो थाइज होते हैं, साल 2021 है, बाइक जो है पुरानी है लेकिन उसकी जो अंदरूनी ताकत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावरफुल बाइक बन चुकी है। दैट इज़ द ब्यूटीफुल TVS अपाचे 164V HP है, 2021 एडिशन। HP मतलब हाई पावर, सो दैट इज़ वॉट वी हैव हियर। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स मी नितीश नियो। व्हाट्सअप, कैसे हो, कसक आए एंड नमस्कार हे गिदीरा। आई एम क्वाइट श्योर कि आप लोग बहुत ही बढ़िया कर रहे हो। एंड आज मेरे पीछे है ब्यूटीफुल TVS अपाचे 164V BS6 2021 मॉडल, दैट इज़ द HP वर्जन। एंड आज हम करेंगे इसका एक वॉक अराउंड एंड राइड रिव्यू। सो गाइस, अगर आप लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हो या आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू द सब्सक्राइब बटन, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप या फेसबुक के ऊपर। एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो, देन हियर इज माय इंस्टाग्राम आईडी, आप लोग यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो। नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द बाइक एंड एंजॉय करते हैं इस बाइक। सो गाइस, व्हाट्स चेंज्ड ऑन द मोटरसाइकिल। तो सबसे पहली बात यह है कि बाइक में आपको चेंज हुआ है, बाहर से कुछ दिखता नहीं है, बाहर से एक ही चीज़ आपको दिखता है, दैट इज़ अ सीट। सीट जो है थोड़ा ग्रेश कलर था, अभी बन चुका है कार्बन फाइबर का फिनिश बन चुका है यहाँ पे साइड में, सो दैट इज़ द चेंज। बट अंदर से बहुत कुछ चेंज हो चुका है। गाड़ी का जो पावर है ऑलमोस्ट 1.6 PS से बढ़ चुका है एंड टॉर्क जो है वो ऑलमोस्ट 0.6 Nm से बढ़ चुका है। मतलब आपको देख रहे हो आप, ये चीज़ जो है अंदर से चीज़ चेंज हुई है। साथ में गाड़ी का जो वेट है ऑलमोस्ट 2 kg से कम हुआ है, इसका मतलब पावर टू वेट रेशियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। साथ में तीसरी बात यह है कि गाड़ी में ना प्राइसिंग जो है थोड़ा ज़्यादा हो चुका है। इट नाउ कॉस्ट यू 1.10 lakh rupees एक्स शोरूम हियर इन पुणे। तो इतना मैंने आपको बता दिया। अभी हम चलते हैं टुवर्ड्स द वॉक अराउंड। स्टार्टिंग विद द फ्रंट, आपको यहाँ पे मिलता है 17 इंच के आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं एंड ये ट्यूबलेस टायर्स है, फ्रॉम TVS के टायर्स के ट्यूबलेस टायर्स है। 90/90 सेक्शन का आपको टायर मिलता है यहाँ पे एंड ऑन द फ्रंट आपको मिलता है 270mm का पेटल डिस्क मिलता है, विच इज़ प्रीटी गुड। एंड सामने आपको मिलते हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, यू गेट अ सुपर मोटो ABS, मतलब सिंगल चैनल ABS आपको मिलता है। सिर्फ आपको सामने के टायर पे ABS मिलता है, पीछे के टायर पे आपको ABS नहीं मिलता है। एंड यू गेट फोक प्रोटेक्टर्स ओवर हियर, अगर बाय चांस अगर आप बाइक लेके कहीं खड्डे में जाएंगे तो आसानी से ऑयल सील टूटेगी नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे फोक प्रोटेक्टर्स दिया हुआ है। सामने आपको मिलता है एक क्लास लीडिंग हेडलाइट है, बिकॉज बहुत कम बाइक्स है जो मतलब इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आपको हेडलाइट जो है LED हेडलाइट्स ऑफर कर रही है, जो इसके कॉम्पिटिशन में है। एंड हियर वी हैव दिस ब्यूटीफुल DRLs एंड यहाँ पे आपको मिलती है हाई बीम लो बीम के आपको LED के हेडलाइट्स मिलते हैं एंड साथ में आपको इंडिकेटर्स जो है ये हेलोजन के इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड कोई आपको एडजस्टेबल कैलिपर्स आपको नहीं मिलता है यहाँ पे, विच यू गेट इन द 200 वेरिएंट। एंड सामने अभी आपको यहाँ पे मिलता है एक इंजन काउल एंड इंजन काउल पे लिखा है हाइपर एच लिखा हुआ है, दैट इज RTFI लिखा हुआ है यहाँ पे, दैट इज़ योर रेस ट्यून्ड फ्यूल इंजेक्शन। एंड साथ में गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है इट इज़ 180mm। साथ में गाड़ी का जो सीट हाइट है ये 800mm का सीट हाइट है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको चलाने के लिए, इट्स वेरी इजी फॉर यू। काफ़ी पतला है यहाँ पे, अगर आपकी हाइट 5'5" भी है, 5'4" भी, आप काफ़ी कंफर्टेबली इस बाइक को चला सकते हो। साथ में गाड़ी का जो व्हील बेस है इट इज़ 1345mm, आपको मिलता है साइड स्टैंड एंड सेंटर स्टैंड एंड इट इज़ एन ओपन चैन सिस्टम। एंड साथ में हम लोग यहाँ पे देख सकते हो आपको मिलता है सारी गार्ड। एंड एक और चीज़ आपको बताना था, गाड़ी के जो फूड पैक से थोड़ा ऊपर है कंपेयर टू दैट अदर मोटरसाइकिल्स इन द सेम कैटेगरी, ये मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ। यू गेट अ क्रैश गार्ड, ये सब कुछ स्टैंडर्ड है बाय द वे। एंड पीछे आपको मिलता है टायर हगर एंड रियर में आपको मिलता है LED के टेल लाइट्स, आपको मिलते हैं LED के टेल लाइट है। इंडिकेटर जो है दिस इज़ अ हैलोजन इंडिकेटर। एंड पीछे का जो ग्रैब रेज है, दिस इज समथिंग ब्यूटीफुल विच आई लाइक अबाउट द अपाचे, दैट इज दिस लुक्स लाइक अ बैटमैन का जो वो वेपन होता है, ऐसे दिखता है मुझे, आई कैन ऑफ लाइक दिस वन। एंड पीछे का जो डिस्क है इट्स 230mm डिस्क ऑन द रियर, ये पेटल डिस्क है बाय द वे। एंड पीछे का जो व्हील है दिस इज 17 इंच के अलॉय व्हील है। पीछे का जो टायर है दिस इज ऑल्सो फ्रॉम TVS टायर्स, इट इज़ अ ट्यूबलेस टायर। एंड साथ में गाड़ी का जो पीछे का जो टायर का जो सेक्शन है इट्स 130/70। एंड इतना आपको बता दिया मैंने। एंड व्हाट डू वी हैव हियर इज अ ब्यूटीफुल साइलेंसर विच लुक्स लाइक अ मशीन गन इज व्हाट आई फील, लुक्स लाइक समथिंग फ्रॉम द सेकंड वर्ल्ड वॉर। एंड पीछे यहाँ पे आपको मिलता है ऑन द रियर यू गेट अ मोनोशॉक। एंड ये बात करते हैं हम लोग चलते हैं टुवर्ड्स द मेन पार्ट दैट इज चेंज। दिस इज अ 160cc ऑयल कूल्ड इन, जिसका जो पावर है इट इज 17.63 PS एंड टॉर्क जो है वो 14.73 का आपको टॉर्क मिलता है। एंड साथ में गाड़ी का जो वेट है 2 kg से कम हो चुका है, इट इज़ नाउ 147 kg नॉट 149 kg। तो पावर टू वेट रेशियो सुपर ऑन मोटरसाइकिल, ये बात करते हम लोग चलते हैं टूवर्ड्स। एक चीज़ आपको बताना था, जो पावर आपको एक्स्ट्रा मिल रही है वो एक्चुअली मिल रही है ऑन द
टॉप एंड ऑफ द रेव रेंज वहाँ पे आपको मिल रही है, एंड दैट इज़ इन कंपैरिजन विद एनएस 160, आई बिलीव दिस गिव्स यू मोर पावर एंड इट इज़ मोर अर्जी देन एनएस 160। एंड साथ में यहाँ पे जो टैंक है, दिस इज अ 12 लीटर टैंक एंड इसका जो माइलेज इट्स अराउंड 54 किलोमीटर्स पर लीटर, विच इज सुपर्ब। ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर का आपको टैंक रेंज मिल जाता है, विच इज सुपर्ब। एंड सीट जो है, इट्स अ सिंगल सीट, कोई स्प्लिट सीट नहीं है यहाँ पे, साइड से स्टेप अप है, बट द सीट इज़ वेरी वेरी सॉफ्ट एंड वेरी वेरी कंफर्टेबल। इतना आपको बता रही है, अभी आप चलते टूवर्ड्स हैंडल बार्स, तो ऑन द हैंडल बार्स आप देख सकते हो यहाँ पे, इट्स अ प्रॉपर स्ट्रीट स्टाइल हैंडल बार, काफी कंफर्टेबल, कोई क्लिप ऑन आपको नहीं मिलता है यहाँ पे। एंड आई लाइक द डिजाइन ऑफ द मिरर ओवर हियर, मिरर इज वेरी वेरी वाइड, मतलब पीछे का जो विजिबिलिटी है प्रॉपर रहेगा, फील्ड ऑफ व्यू सुपर्ब रहेगा। एंड यहाँ पे आपको मिलता है इंजन किल स्विच, इंजन स्टार्ट बटन, पास लाइट आपको मिलता है, हाई बीम, लो बीम, लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर एंड हॉर्न। एक बार सुनते हैं गाड़ी का हॉर्न कैसा है। प्रीटी गुड, आई काइंड ऑफ लाइक द टीवीएस हॉर्न्स। एंड एक बार इसको ऑन करके दिखाता हूँ, एक फुल स्वाइप होता है, स्वाइप होने के बाद 3, 2, 1, go एंड दैट इज़ द रेस स्टाइल, मतलब रेस स्टाइल ऑफ अपाचेज। एंड यहाँ पे आपको मिलता है टैकोमीटर, यू गेट योर क्लॉक, यहाँ पे आपको मिलता है स्पीडोमीटर, यहाँ पे आपको मिलता है ओडोमीटर, यू गेट योर फ्यूल गेज यहाँ पे। तो एक बार मोड दबा के देखते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पे। ओके, सो ट्रिप 1, ट्रिप 2 आपको मिलता है, हाई स्पीड आपको मिलता है, एंड व्हाट यू हैव इज हियर इज अ टेलटेल लाइट, यहाँ पे आपको देख सकते हो ट्रांसपोर्ट लॉक भी है, एंड यहाँ पे आपको मिलता है आरपीएम शिफ्ट। सो व्हाट इज मिसिंग इज अ गियर पोजीशन इंडिकेटर ऑन द फ्रंट कंसोल, एंड डिस्टेंस टू एम्प्टी इसमें आ जाता तो काफी बढ़िया हो जाता है, इज व्हाट आई फील। तो इतना हमने देख लिया, तो अभी हम सुनते हैं गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट कैसा है। So guys, here is the key, this is the TVS key, and let's start the bike right away. This is the beautiful TVS Apache 164V HV 2021 ka model hai. एंड यस गाइस, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, द फिट एंड फिनिश इज एक्सेलेंट ऑन द मोटरसाइकिल, काफ़ी मतलब टीवीएस ने कहीं पे भी वो कसर नहीं छोड़ा है, बट वन पॉइंट मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो वायर थोड़ा मुझे दिख रहा है, दिस कुड हैव बीन अवॉइडेड एंड लेट्स स्टार्ट द बाइक राइट नाउ बिकॉज द राइट बाइक इज सुपर्ब, इट्स परफॉर्मेंस इज वेरी गुड। थोड़ा और भी चला के आ रहा था मैं, तो बहुत अच्छा लगा है, द टॉप एंड हैज इंक्रीज्ड एक्चुअली एंड लेट्स स्टार्ट द बाइक, वाओ। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट डू वी हैव द इंजन कट ऑफ साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर, तो देखते हैं एक बार, बस वो चीज़ एक मिसिंग है इसमें, तो लेट्स स्टार्ट द बाइक राइट नाउ। वाओ, द पावर, द इमीडिएट टॉर्क जो आपको मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है बाइक में, एंड द सस्पेंशन आर वेरी गुड ऑन द मोटरसाइकिल, दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, बिकॉज आप देख रहे हो यहाँ पे खड्डे में जा रहा हूँ, मतलब आई एम फाइंडिंग इट वेरी वेरी स्मूथ एंड वेरी वेरी कम्फर्टेबल। समटाइम्स आई फील लाइक यार, ये जो स्मूथ बाइक्स होती है इनको ओन कर देना चाहिए, मतलब आई वॉन्ट टू बाई इट, ऐसा लगता है मुझे बहुत बार, लेकिन कितना बाइक खरीदूँ यार। And let's start the bike. Oh, nice man! It feels so good on the tarmac. It's so fun to ride. And this is the beauty of TVS, man. मतलब आप जब कॉर्नर करते हो ना, थोड़ा ऐसे घूमते हो ना, एक आपको एक अलग सी फीलिंग देती है टीवीएस, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। अभी हूँ अच्छा खासा स्पीड में हूँ, एंड दैट्स लेट मी पुट द फ्रंट ब्रेक्स ऑफ द बाइक, बिकॉज सामने आपको मिलती है पेटल डिस्क, 270 mm का पेटल डिस्क है, एंड वो द फ्रंट ब्रेक्स आर सुपर्ब मैन, हो हो हो, वेरी गुड इन फैक्ट। एंड अभी हम चलते हैं आगे एंड देखते हैं रियर ब्रेक कैसी है बाइक की, एंड हियर वी गो, दिस वेरी गुड मैन, सुपर्ब रियर ब्रेक्स, गाड़ी के सामने और पीछे दोनों के दोनों ब्रेक्स बढ़िया है। पीछे का जनरली मैंने बहुत बाइक्स का देखा है प्रोग्रेसिव होती है, लेकिन इसका काफ़ी ज़्यादा बाइटी है, इट गिव्स इट एन इंस्टेंट हिट ऑफ द बाइट, वो अच्छा लगा मुझे। एंड अभी हम चलते हैं आगे एंड लेट्स सी डू वी हैव वाइब्रेशंस ऑन अ मोटरसाइकिल, बिकॉज जब लास्ट टाइम मैंने चलाया था गाड़ी काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड था, एंड इट इज़ स्टिल एक्चुअली वेरी वेरी रिफाइंड, इनफैक्ट आई हैव क्रॉस द मिड रेंज एज वेल, तो अभी तक रिफाइनमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रही है बाइक में, विच इज सुपर्ब। अभी हम लोग करते हैं छोटा सा टर्निंग रेजिस्टेंस, जहाँ पे मतलब दिखता है कि गाड़ी की छोटी जगह पे टर्न हो पाती है कि नहीं, अगर आप पार्किंग स्पेस में कहीं पार्क करते हो टाइट स्पेस, वहाँ से कैसे निकाल सकते हो मुझे देखना है। तो ये अपना आ गया टर्निंग रेडियस पॉइंट, जहाँ पे मैं टर्न करना चाहता हूँ इसको, बिना अपने पैर को नीचे रखे हुए टर्न करके देखते हैं। ओह नाइस, टर्निंग रेडियस जो है थोड़ा मुझे लंबा लग रहा है, वाई, बिकॉज जब मैं गाड़ी को घुमाता हूँ तो इस पॉइंट पे स्टॉप हो जाती है, एंड थोड़ा मुझे लंबा लग रहा है कंपेरेटिवली, बिकॉज व्हेन आई कंपेयर इट विद अदर 150cc मोटरसाइकिल्स, तो उनसे थोड़ा लंबा इसका व्हील बेस भी है, विच इज़ द रीज़न वाई इट का इसका जो टर्निंग रेडियस है थोड़ा ज़्यादा है कंपेरेटिवली। हाउएवर इट कैन ईजीली, मतलब यू कैन टेक इट आउट फ्रॉम द पार्किंग, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम बात करते हैं द मिरर्स, द फील्ड ऑफ व्यू इन द मिरर इज सुपर्ब, काफ़ी ज़्यादा वाइड है, दे आर नॉट राउंडेड मिरर्स, दे आर मतलब लिटरली मतलब वाइड मिरर्स हो हियर,
मतलब द डिज़ाइन इज़ सो कूल दैट कि यहाँ तक मतलब एक्सटेंड हो चुकी है, बिकॉज ऑफ विच बहुत कुछ क्लियरली दिख जाता है साइड का, वो मुझे एडवांटेज अच्छा लग रहा है मुझे इसमें दैट कि ये जो पॉइंट है दिस इज़ अ गुड डिज़ाइन फ्रॉम TVS एंड यस सामने का जो विजिबिलिटी है फ्रंट कंसोल का वो काफ़ी बढ़िया है, कुछ दिक्कत नहीं आ रही है। वाओ सी व्हाट आई थिंक अबाउट द मोटरसाइकिल, इसका जो पावर है इट्स क्वाइट इंस्टेंट, जैसे मतलब ये थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो आप देख रहे हो यहाँ पे, यू गेट दिस पॉइंट, थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो है काफ़ी मतलब इंस्टेंट मुझे लगती है, आई काइंड ऑफ लाइक दिस इंस्टेंट, अच्छा भी लगता है पावर, मतलब हमेशा से TVS उस चीज़ पे काम किया है TVS ने एंड दैट इज़ अ गुड पॉइंट, एंड शायद एक दिन इसमें राइड बाय वायर भी अवायर भी आ जाए, किसको पता व्हाट्स गोना हैपन लेटर, बिकॉज TVS हैज़ ऑलवेज अमेज्ड यू विद ऑल इट्स अपडेट्स। एंड ये बात करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गाड़ी का जो सीटिंग पोजिशन है मैं काफ़ी कंफर्टेबली बैठा हूँ, मेरा जो बैक है इट्स एक सीटिंग अपराइट, जैसे मैंने आपको बताया था इट्स वेरी कंफर्टेबल, मेरे जो पैर है मस्त यहाँ पे टकिन हो रहे हैं यहाँ पे टैंक के साइड में, एंड साथ साथ में गाड़ी का जो क्लच है क्लच इज़ ऑन द सॉफ्टर साइड एंड सो इज़ द गियर, गियर क्लच दोनों सॉफ्टर साइड पे है, इट्स वेरी वेरी लाइट, इट्स वेरी प्रिसाइज एंड इजी टू यूज़, कोई फॉल्स न्यूट्रल्स नहीं दिख रहे मुझे अभी तक तो, एंड वो एक सबसे बड़ा एडवांटेज बन जाती है इस मोटरसाइकिल की। एंड ऑफकोर्स यू नो एवरी बाइक, मतलब जितने भी आप बाइक लेके जाएंगे, मैं आई वुड सजेस्ट यू टू यू नो ऑलवेज गो आउटसाइड, टेक अ टेस्ट राइड फॉर योरसेल्फ एंड देन ओनली गो एंड बाय इट, दिस इज़ व्हाट माय इनपुट इज एंड इट इज़ ऑलवेज बी एंड यू नेवर नो राइट, मतलब यार बाइक को ना कुछ किलोमीटर चलाने में और लॉन्ग टाइम में चलाने में बहुत डिफरेंस होती है। अभी तो मैं ट्रैफिक में हूँ, एक चीज़ मुझे समझ में आती है कि यहाँ पे क्या इंजन हीट होती है वो समझ में आएगी कुछ ही देर में, बिकॉज इंजन का हीटिंग जो है यहाँ पे इन द सिटी मुझे ज़्यादा लग नहीं रहा है, आई एम वेयरिंग यू नो पैंट जो है वहाँ पे मेरा एंकल एक्सपोज्ड है तो हीट तो ज़्यादा अभी तक तो नहीं लग रहा है विच इज़ अ गुड थिंग, सी दैट्स अ पॉइंट राइट, आई कैन ईजिली टेक इट आउट इन द ट्रैफिक, काफ़ी लाइट वेट मोटरसाइकिल है, द मोटरसाइकिल निम्बल्स वेरी वेल एंड दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट द स्कूटर, इन द ट्रैफिक फिल्टर थ्रू करना काफ़ी आसान हो जाती है, इट्स नॉट अ बिग मोटरसाइकिल बट द बेस्ट थिंग इज बाइक पर बैठेंगे ना आपको एक बड़ा फीलिंग आपको मिलता है एंड माई हाइट फॉर रेफरेंस इज 6 feet, तो 6 feet होने के बाद आई कैन यू नो काफ़ी कम्फर्टेबली लैंड माई फीट ऑन द ग्राउंड, आप देख सकते हो यहाँ पे आसानी से रख सकता हूँ, इनफैक्ट अगर आपकी हाइट 5'5" भी है आप काफ़ी ईजीली आप रख सकते हो इज़ वॉट आई फील। एंड ये बात करते हुए हम लोग चलते हैं व्हाट्स मिसिंग ऑन अ मोटरसाइकिल, गाइस फंडा सिंपल है, अगर मिसिंग कोई नहीं कि ना हर एक बाइक में आप कमियां ढूंढ सकते हो, ये नहीं है वो नहीं है आप बोल सकते हो, बट इस बाइक में ऐसे मेजर कमियां मुझे कुछ दिख नहीं रही है, एवरीथिंग इज़ स्पॉट ऑन, द सीटिंग पोजीशन इज़ कंफर्टेबल, द पावर इज़ सुपर्ब, जो पावर में कमी थी वो अभी क्लास लीडिंग बन चुकी है विद रिस्पेक्ट टू द पावर डिलीवरी, एंड साथ में गाड़ी में एक चीज़ मुझे जो शॉर्टेज लगी दैट इज़ द फ्रंट कंसोल जो है उसमें आप यू नो दे कुड हैव गिवन अ गियर पोजीशन इंडिकेटर, डिस्टेंस टू फ्यूल, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये सब कुछ अगर दे रहे थे तो एक चीज़ एडवांटेजेस बन जाती, सो दिस इज़ व्हाट आई फील। एंड नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द मुद्दे की बात जहाँ पे हम कंपेयर करेंगे अपाचे को विद दैट ऑफ NS 160। सो गाइस अभी हम करते हैं मुद्दे की बात जहाँ पे हम कंपेयर करेंगे इस मोटरसाइकिल को विद NS 160, दैट इज़ द क्लास लीडिंग मोटरसाइकिल इन दिस पर्टिकुलर यू नो ब्रैकेट ऑफ 160 सीसीज। NS 160 जो है वो होता था एक सबसे पावरफुल मतलब बाइक था उस सेगमेंट में, लेकिन अभी उसको क्रॉस कर चुका है TVS अपाचे 164V। एंड दूसरी बात यह है कि इसमें आपको मिलता है LED के हेडलाइट्स, आपको मिलते हैं एक क्लास लीडिंग, आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि परफॉर्मेंस जो है थोड़ा बेटर है व्हेन कंपेयर्ड टू द NS 160। साथ साथ में गाड़ी का जो स्टाइलिंग है काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी अलग सा है। एंड आपको एक और बात बताना था, दैट इज़ द सीट का जो स्टाइल है, इसमें जो सीट है सीट इज़ अ सिंगल सीट लेआउट जो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होती है अगर लेडीज़ बैठ रहे गाड़ी के ऊपर। एंड दूसरी बात यह है कि गाड़ी का जो डिज़ाइन है इट्स मोर ऑफ अ रेस ट्यून्ड इज़ व्हाट आई फील। सो ये सब होने के बाद आई कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दिस गेट्स अस लिटिल मोर पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ द फील एंड द पावर। सो गाइस दिस वाज इट फॉर द वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है देन डू सब्सक्राइब बटन, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप या फेसबुक के ऊपर। सो गाइस थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एज यूजुअल आई विल एंड दिस वीडियो विद जय हिंद वंदे मातरम।